क्या YouTube आपकी वीडियो लोगों तक नहीं पहुंचाती? किस तरह से अपनी वीडियो को ब्लॉक होने से बचाएं, डंप होने से बचाएं? किस तरह से हमारी वीडियो रुक जाती है, यानी कि वायरल नहीं हो पाती? वायरल तो दूर की बात है, लोग उस वीडियो को रीच नहीं कर पाते, इम्प्रेशन नहीं आता, रेट हमारी वीडियो का गिर जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? किस तरह से अपनी वीडियो को अच्छे इम्प्रेशन के साथ, एक अच्छे क्लिक रेट के साथ, और ऐसी वीडियो को ऐसे टाइम पे इस तरह से अपलोड करें कि हमारी वीडियो वायरल हो, वायरल ना हो, जो देखे वो सब्सक्राइब करे, यानी कि हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे चैनल की ग्रोथ आखिर क्यों रुकती है? क्या आप चैनल को ग्रो करने में थक चुके हैं? क्या आप बाकी वीडियोस देखकर चैनल ग्रो करने में नाकामयाब हैं? आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में ग्रेट न्यूज़ लेके आया हूँ, YouTube किस तरह से आखिर क्यों हमारी वीडियो को रोकती है, इस बारे में डिस्कशन की जाएगी। क्या आप सुनेंगे? हेलो, वेलकम बैक टू कर हिम्मत शो। हेयर आई एम माविया तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। तीन स्टेप्स में बात करूंगा और टू द पॉइंट बात करूंगा, जो हमारे चैनल की बुनियाद है। किस तरह से, एक सवाल आप सब मुझसे करते हैं, 5 महीनों में ना सिर्फ टॉप रैंकिंग, ट्रेंडिंग, SEO, गूगल स्कॉलर, गूगल सर्च, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स, प्ले स्टोर पे भी मेरे चैनल की वीडियोस और इसकी रैंकिंग मौजूद है। क्या वजह है इसकी? किस तरह से मैंने अपने चैनल को फैलाया, यानी कि मेरा चैनल फैला हुआ बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? किस तरह से चैनल की ग्रोथ ज्यादा होती है? तीन स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगा और टू द पॉइंट बात करना ही हमारे चैनल की बुनियाद है, आप सब ये जानते हैं। नंबर वन स्टेप कि YouTube हमारे चैनल को, हमारे कंटेंट को क्यों ब्लॉक करती है, पहले इस बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे चैनल में अगर कोई कॉपीराइट मौजूद है, यानी कि अगर हमारा खुद का कॉन्टेंट नहीं है, तो हमारी वीडियो के चांसेस बहुत कम है कि वो वायरल हो। हमारी वीडियो फ्लॉप हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, और इस तरह से हमारी वीडियो बैन भी हो जाती है, स्ट्राइक्स भी आती हैं। नंबर वन स्टेप कि आपकी वीडियो अपनी नहीं है। नंबर टू स्टेप, वीडियो आपकी अपनी है, वीडियो की ग्रोथ नहीं हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5 व्यूज पे वीडियो अटक जाती है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, सालों साल हो गए हैं, जमे हुए हैं सब्सक्राइबर, किस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, यानी कि जो देखे वो तो कम से कम सब्सक्राइब करे ना, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नंबर टू स्टेप में जानते हैं, आपकी वीडियो अपनी होनी चाहिए, नंबर टू स्टेप कहता है। और नंबर टू स्टेप बी, इसको मजीद आगे बढ़ाऊं तो कहता है कि आपकी वीडियो अपनी होने के साथ साथ आपकी वीडियो एडिट होनी चाहिए, यानी कि आप अपने काम को खूबसूरत बनाएं, आप अपने काम से लगाव करें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अपने काम के साथ मोहब्बत हो जाए, आशिकी हो जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यानी कि हमारा फोकस, आसान लफ्जों में बात कर रहा हूँ, हमारा फोकस दाएं बाएं ना हो, हमारा फोकस अपने काम पे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम को निखारने में, संवारने में हो। ये तो बात मैं आपके साथ किस तरह ये कर रहा हूँ, इसको मजीद बढ़ाता हूँ, यानी कि गहराई में हम जानते हैं। नंबर थ्री स्टेप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको समझना है, यानी कि अगर ये स्टेप आपने समझ लिया, आपके सब्सक्राइबर इससे बहुत ज्यादा बूस्ट होंगे, आपके व्यूज बूस्ट होंगे। कुछ महीनों पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे थे, यानी कि 200, 300, 400, 500 जो रेगुलर मेरी क्लास लेते हैं, मेरा एजुकेशनल के तौर पर चैनल है, एजुकेशन की बुनियाद पर चैनल है, और मैं एजुकेशनल वीडियोज आपके साथ, मोटिवेशनल वीडियोज शेयर करता हूं, तो कुछ क्लासेस रेगुलर मेरी ले रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से मैं 1000 व्यूज प्लस गया, ये कैसे मुमकिन हुआ? बहुत सिंपल है, मैं आपके साथ सिंपल सिंपल ट्रिक्स शेयर कर रहा हूं, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया। नंबर थ्री स्टेप कहता है कि जैसे ही नंबर वन स्टेप को आपने फॉलो किया कि आप किसी की वीडियो को फॉलो नहीं कर रहे, नंबर टू स्टेप आप खुद की वीडियो बना रहे हैं, और नंबर थ्री स्टेप आप काम से किस तरह से लगाव कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने काम पे तवज्जो दें, फोकस करें। बहुत सिंपल है कि आप अपने काम को कस्टमर की निगाह से देखें। जैसे ही आप अपने काम को कस्टमर की निगाह से देखते हैं, यानी कि आपके काम में कमी ज़रूर मौजूद होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, आप अपने कंटेंट को एक नज़र गौर से देखिए, या फिर ज़रा सोचें तो आपके कंटेंट में ज़रूर कमी होगी, यानी कि 99.99% आपका कंटेंट, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, उम्दा होगा, 1% कमी उसमें ज़रूर मौजूद होगी। जैसे ही आप 1%, सिर्फ और सिर्फ आपको 1% इंक्रीज करना है, यानी कि 1% कुछ एक्स्ट्रा करना है, जैसे ही आप एक्स्ट्रा की तरफ जाएंगे, बहुत सिंपल होगा आपके लिए, आप अपने कंटेंट को
चैनल को, व्यूज़ को, सब्सक्राइबर को ड्रॉप होने से, बैन होने से और आसानी से फैलाने में आप उसकी मदद करेंगे, यानी कि आपका चैनल ग्रो होगा ही होगा। इसी तरह से मुझे यकीन है कि 3 स्टेप्स में आपने जाना होगा कि किस तरह से आप चैनल को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से मेरी वीडियो का होता है इख्तिताम, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना आप पर बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।